झालावाड़ जिले के अकलेरा पुलिस थाने के समीप निजी होटल नारायण रिसोर्ट में साइबर क्राइम की बैठक आयोजित की गई। झालावाड़ साइबर क्राइम प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि साइबर क्राइम मीटिंग रखने का मुख्य उद्देश्य लोगों को वर्तमान में चल रही साइबर क्राइम ठगी से बचाना एवं जागरूक करना है। हाल ही में क्षेत्र में लगातार साइबर अपराध की गति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे ग्रामीण अंचल से लेकर ढाणी कस्बों में भी लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए 3 दिनों से सेमिनार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लोगों को साइबर ठगी से बचने के बारे में बताया जा रहा है। फर्जी फेसबुक, फर्जी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वेबसाइट सहित अन्य क्षेत्रों द्वारा आपके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप को हैक कर ब्लैकमेल करना, साइबर ठगी पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पैसों की डिमांड करना जैसे कई मुद्दों पर आज साइबर क्राइम ठगी के बारे में बताते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आज इस मीटिंग में मनोहर थाना सर्किल सहित अकलेरा सर्किल के समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। घाटोली थाना प्रभारी मोहम्मद इब्राहिम, कामखेड़ा थाना प्रभारी धनराज गोचर, दांगीपुरा थाना प्रभारी, जावर थाना प्रभारी, भालता थाना प्रभारी, बकानी थाना प्रभारी सहित समस्त सर्किल के थाना प्रभारी सहित पुलिस मित्र, सीएलजी सदस्य, व्यापार संगठन सहित सभी मुख्य प्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। झालावाड़ अकलेरा से हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार मीणा की रिपोर्ट। सर, आज जो ये मीटिंग रखी गई थी, इसका सबसे पहला क्या इसका सॉल्यूशन है जिससे आम आदमी को फायदा मिलेगा? इसमें आज जो ये सेमिनार रखा गया है, तो हमारे एसपी साहब ने यही देखकर, ध्यान में देखते हुए रखा गया है कि आज जो वर्तमान में साइबर क्राइम हो रहे हैं, ये मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। तो ये जागरूक अभियान है कि जितने से जितने ज़्यादा पब्लिक जागरूक हो सके, उसके लिए एसपी मैम ने ये सेमिनार रखा गया है। 3 दिवसीय सेमिनार जिले झालावाड़ में रखा गया है, एक नवाचार के रूप में, जो कि कल दिनांक 10 को झालावाड़ हुआ, आज यहाँ पर अकलेरा में 11 तारीख को हुआ, और कल 12 तारीख को भवानी मंडी होगा। इसमें मेन बात यही है कि साइबर जो क्राइम हो रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना। ठीक, आपका नाम सर? मैं राजेश कुमार शर्मा, मैं साइबर सेल प्रभारी हूँ एसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कार्यरत हूँ।